आज की आराधना में हम प्रार्थना करेंगे, विशेष करके रोगियों के लिए, कि उनका विश्वास ना टूटे, उनकी आशा ना टूटे। आराधना 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 मेरे प्रभु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, मेरे प्रभु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना 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 मिलकर गाइए। आराधना 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 फिर से आराधना 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 आराधना। उन्नत शक्ति परम पिता राजाधिराज की आराधना, उन्नत शक्ति परम पिता राजाधिराज की आराधना। आराधना 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 गाइए। आराधना 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 एक साथ आराधना 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 आराधना। दुख को हर कर सुख जो दिया सुखदायक की आराधना, दुख को हर कर सुख जो दिया सुखदायक की आराधना। आराधना 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 गाइए। आराधना 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 आराधना। पावन आत्मा आराधना, उन्नत शक्ति की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, उन्नत शक्ति की आराधना। आराधना 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 मिलकर गाएंगे प्रभु की आराधना। आराधना 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 और एक बार मिलकर गाइए। आराधना 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 आराधना। जीवन दाता प्रभु यीशु उनकी करें हम आराधना, जीवन दाता प्रभु यीशु उनकी करें हम आराधना। आराधना 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 गाइए। आराधना 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 आराधना। चंगाई दाता प्रभु यीशु उनकी करे हम आराधना, चंगाई दाता प्रभु यीशु उनकी करे हम आराधना। आराधना 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 की गहराई से। आराधना 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 वेदी पर विराजमान यीशु की।
आराधना 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 हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 बोलो हालेलुया बार बार करते जाइए हालेलुया 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 बोलो हालेलुया 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 करते जाइए हालेलुया 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 प्रभु यीशु की स्तुति करते जाइए आराधना करते जाइए अपनी अपनी भाषा में अपने अपने शब्दों में प्रभु की आराधना करते जाइए हालेलुया 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 मृत्यु को हराने वाली महिमा के साथ पुनर्जीवित होने वाले यीशु उस महान सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे हुए हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु पर लगाएं, हृदय की हर प्रकार की व्यथा को इस समय प्रभु के सामने रखें, हर डर भय को प्रभु के सामने रखें, विश्वास में अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएं। समय ये विश्वास करें कि प्रभु सब कुछ जानते हैं, मुझे जानते हैं, मेरे परिवार को जानते हैं, मेरी परिस्थिति को जानते हैं। अपने आप को प्रभु के हवाले कर देंगे, समर्पित करेंगे, यीशु के सामने आएंगे एक समर्पण मनोभाव के साथ, कहेंगे प्रभु सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देता हूं, मैं हार गया, सारा संसार हार गया है, सब कुछ तेरे हाथ में सौंप देता हूं यीशु, तू ये मात्र है, तूने कहा है डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं, मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। तू हमारे लिए जीवित है, हमारे साथ है, तूने वायदा किया था यहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं, और इस समय में हम विश्वास करते हैं कि तू इस पवित्र रोटी में विराजमान है, तेरे सानिध्य के सामने सिर झुकाते हैं, तेरी उपस्थिति को इस समय अंगीकार करते स्वीकार करते यीशु। आंखें मंद कीजिए मेरे भाई और बहनों, हृदय की एक एक बात को प्रभु के सामने रखिए, आप क्या बोलना चाहते हैं प्रभु से बोलिए, प्रभु के सामने रखिए। हम दुखमय परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, उस यीशु के सामने रखिए जिसने कहा कि मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ है। उस यीशु के सामने रखिए जिसने कहा कि आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
यीशु के सामने अपने हृदय की एक एक व्यथा को रखिए, एक एक पीड़ा को रखिए, अपने दिल से सारी बातें प्रभु के सामने रखिए। बोलिए, प्रभु मैं थक गया हूं, हार गया हूं, मैं डरा डरा सा हूं, मैं चिंतित हूं, मेरे अंदर भय है, आसपास में जो घटनाएं घटित हो जाती है मैं सोचता हूं कि अगला नंबर मैं तो नहीं हूं, मैं परेशान हूं, हैरान हूं, डर डर के जी रहा हूं। यीशु तेरे वचन को मैं भूल गया हूं, तेरे वचन में लिखा हुआ है तुम्हारे दाहिने लाखों ढेर हो जाएंगे कि तुमको कुछ नहीं होगा। भूल जाता हूं यीशु, भूल जाता हूं। आज इस वक्त अपने हृदय की एक एक पीड़ा को लेकर तेरे सामने आया हूं यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। जीसस आई ट्रस्ट इन यू यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, भरोसा रखता हूं, भरोसा रखता हूं। मौन होकर कुछ समय आराधना कीजिए मेरे भाई और बहनों, प्रभु के सामने एकांत में आइए, सिर झुकाइए प्रभु की उपस्थिति में, हृदय खोलिए, मौन हो जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता, और शांत जल के पास ले जाकर, और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है, मुझ में नव जीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप, अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, 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 मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है, तेरे डंडे का भरोसा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते, मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए, मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर, तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है, तेल का विलेपन करता है, और मेरा प्याला, और मेरा प्याला लवालब भर देता है, लवालब भर देता है। इस प्रकार, इस प्रकार तेरी भलाई, तेरी भलाई और तेरी कृपा से, और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ, मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक, मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में, प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा, निवास करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग मुंह खोल के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरी ज्योति, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूं, तो मैं किससे भयभीत। हालेलुया, हालेलुया। संकट के समय, संकट के समय वह मुझे, वह मुझे अपने तंबू में, अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। संकट के समय, संकट के समय वह मुझे, वह मुझे अपने तंबू में, अपने तंबू में सुरक्षित रखता है, सुरक्षित रखता है। वह मुझे, वह मुझे अपने तंबू के भीतर, अपने तंबू के भीतर छिपाता है, छिपाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, पर्वतों की ओर उठाता हूं। क्या वहां से मुझे, वहां से मुझे सहायता मिलेगी, सहायता मिलेगी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को
को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, वह तुम्हारा पैर फिसलने ना दे। तुम्हारा रक्षक ना सोए, तुम्हारा रक्षक ना सोए, नहीं इसराइल का रक्षक, नहीं इसराइल का रक्षक, ना तो सोता है, ना तो सोता है, और ना झपकी लेता है, और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह, छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है, तुम्हारे दाहिने रहता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है, प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह, छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है, तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में, ना तो दिन में सूर्य से, सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी, तुम्हारी कोई हानि होगी, और न रात में चंद्रमा से, न रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा, तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। अब और अनंत काल तक, और अनंत काल तक। हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए ऊंची आवाज में विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु मेरी सुरक्षा है, प्रभु मेरी रक्षा है, प्रभु मेरा संरक्षक है। हालेलुया, वो मेरी आत्मा की रक्षा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें मंद रखेंगे, दोनों हथेलियों को खुला रखेंगे, बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की आराधना में एक और गीत गाएंगे। अपने भाई के साथ मिलकर इस आराधना के गीत को गाना, प्रभु में विश्राम पाना, प्रभु में भरोसा रखना, पूर्ण भरोसा कि मेरा प्रभु जीवित है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महा सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े झंकार, हृदय के तार छेड़े झंकार, पाए एक ही काम ना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, सृष्टि के
के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा तारा। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा तारा। पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पंछी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद कारा, मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो। हृदय से प्रार्थना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना। एक साथ मिलके गाएं, तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं तेरी आराधना करूं। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और इस परिस्थिति में हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग मनन चिंतन किए। एक विश्वासी को कभी टूटना नहीं चाहिए, एक विश्वासी की आत्मा सदा जगी रहती है। माता मरियम का वो गीत, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, हमारा भी गीत होना चाहिए। ये मत भूलिएगा, उसी मां की दृष्टि के सामने उसका एकमात्र बेटा मां डाला गया था। मेरा पूर्ण विश्वास है कि उस मां का गीत वही था, उस समय भी मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह अय्यूब ने भी कहा, ईश्वर ने दिया था, ईश्वर ने वापस लिया, ईश्वर की स्तुति हो। ये परिस्थिति ऐसी है जब हम आसानी से टूट सकते हैं, लेकिन प्रभु कहते नहीं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 18 में प्रभु यीशु कहते हैं, ये पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे मिला है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर सारा अधिकार मुझे मिला है। यौहन के समाचार के अध्याय 16 वाक्य 33 में प्रभु कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। और आज प्रभु यीशु हर एक विश्वासी से यही कहते हैं, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। जीवन में होने वाले दुखों को देखकर टूटना नहीं, बर्बाद नहीं होना, निराश नहीं होना, ढारस रखना, यह जानना कि मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु यीशु के शिष्यों की तरह, प्रेरितों की तरह हम भी यीशु के पीछे चलेंगे। जीवन की इन कठिनाइयों के बावजूद हम भी प्रभु के साथ चलेंगे, पेत्रुस की तरह, पौलुस की तरह, अन्य प्रेरितों की तरह जो यीशु के लिए मरने को तैयार थे, यीशु के पीछे चलने को तैयार थे, हम भी यीशु के पीछे चलेंगे। हमारे विश्वास की परीक्षा हो रही है, परख हो रही है, हमारे विश्वास की परख हो रही है। देखिए संत पेत्रुस क्या कहते हैं, पेत्रुस का पहला पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 6 में पेत्रुस कहते हैं कि जब आपको इन प्रकार के दुखों से गुजरना पड़ता है तो इसको आनंद का विषय माने, क्योंकि इस तरह हमारे विश्वास की परख होती है। पौलुस पेत्रुस कहते हैं, स्वर्ण की भी परख अग्नि में होती है। एक विश्वासी की परख हो रही है, एक विश्वासी को परखा जा रहा है,
हम दृढ़ बने रहें, सुदृढ़ बने रहें, प्रभु के वचनों पर विश्वास करें। ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। बार बार इस बात को अपने मन में गूंजने दीजिए, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग इस समय अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपने दोनों हाथों को खुला रखेंगे। आज इस वक्त हम लोग प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं, विशेष करके कोविड के रोगियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस समय हजारों कोविड के रोगियों के लिए, जो इस समय वेंटिलेटर में पड़े हुए हैं, जो स्वयं सांस नहीं ले पाते हैं लेकिन वेंटिलेटर सांस लेने में मदद दे रहा है, उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है लेकिन उम्मीद है, क्योंकि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे वेंटिलेटर में पड़े हजार रोगियों को इस समय यीशु के पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें। वेंटिलेटर में पड़े हजार रोगियों को प्रभु यीशु तेरे पवित्र हाथों में समय समर्पित करते हुए उनके परिजनों के दर्द, उनके परिवार के लोगों के दर्द पीड़ाओं को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हुए, उन भाई बहनों के जो वेंटिलेटर में पड़े हैं अपने मन के विचारों, आशंकाओं, चिंताओं, डर, निराशा को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना करना चाहते हैं। ये सुन पर दया कर, उनको ग्रहण करना, ग्रहण करना, ग्रहण करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए, मुंह बोलिए, मुंह बोलिए, प्रार्थना कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। दयालु यीशु दया कर, दयालु यीशु दया कर, आजाद 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 कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस समय ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जो लोग जी रहे हैं कोविड के रोगी, अगर ऑक्सीजन सिलेंडर को हटाया जाए तो शायद वे समाप्त हो जाएंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा उनको सांस लेने के लिए ताकत मिल रही है। ऐसे कम से कम 10,000 रोगियों को प्रभु यीशु तेरे कदमों पे लाते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर के सहारे जीने वाले। प्रभु यीशु उनके दर्द पीड़ाओं को तू जानता है, उनकी आशंकाओं को तू जानता है, उनकी उत्कंठाओं को तू जानता है, उनके डर को तू जानता है, उनके परिवार के लोगों के डर को तू जानता है। ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे इस समय अस्पतालों में पड़े 10,000 रोगों को, 10,000 रोगियों को यीशु के कदमों पे लाएंगे, यीशु के पास लाएंगे। ए यीशु, तूने कहा नहीं रोगों को, नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है, मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए आया हूं। प्रभु यीशु तेरे पवित्र दुख भोग और मृत्यु और पुनरुत्थान की योग्यता से उन्हें इसी वक्त छुटकारा मिले, इसी वक्त छुटकारा मिले, इसी वक्त सांस लेने की शक्ति और ताकत मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रतिदिन हमारे देश में आज 3,00,000 नए रोगी पाए जा रहे हैं, यानी उसका दुगुना लोग इस रोग को लेकर चल रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं मालूम है। आज की तारीख को कम से कम 6,00,000 लोग नए रोगी हैं। ऐसे नए नए रोगियों को जो इस रोग को लेकर चलते हैं लेकिन उनको नहीं मालूम है, जिसके कारण उनका रोग और बिगड़ता जा रहा है, उन्हें टेस्ट करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई मौका नहीं है। ऐसे रोगियों को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे, ऐसे रोगियों को हम समर्पित करेंगे। संसार भर के 10,00,000 नए नए कोरोना के रोगी, कोविड के रोगियों को यीशु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु वचन में लिखा हुआ मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 उसके वाक्य 15 में,
तो पेत्रुस के घर गया और पेत्रुस की सास बुखार से तड़प रही थी, तो उसके घर उसके पास गया। वचन में लिखा हुआ तूने उसके हाथ को स्पर्श किया और भी बुखार जाता रहा, तूने उसके हाथ को स्पर्श किया और बुखार जाता रहा, तूने उसके हाथ को स्पर्श किया और बुखार जाता रहा। प्रभु यीशु समय आज के नए नए कोविड रोगियों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, उनको स्पर्श करना यीशु, स्पर्श करना उनको, स्पर्श करना यीशु, स्पर्श करना उनको, स्पर्श करना यीशु, स्पर्श करना। उनका बुखार जा रहा है, उनका बुखार जा रहा है, उनका बुखार जा रहा है। हालिया 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 हालिया। इन दिनों विशेष करके बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जिनको कोविड पॉजिटिव हो गया था, हल्की फुल्की दवा से नेगेटिव हो गए हैं। प्रभु यीशु ने बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया है, प्रभु यीशु ने बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। हम इस समय अपनी आंखें मंद रखेंगे, अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे। संसार भर में जितने रोगी हैं, कोविड के रोगी, उन सब को इस समय आशीर्वाद देंगे यीशु के नाम पर। यीशु के नाम पर सबको आशीर्वाद मिले, 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 सांत्वना मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने रोगी मर गए हैं, जिनके परिजन इस समय रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उन पर प्रभु की आशीष आवे, उन्हें सांत्वना मिले। अचानक उनके बीच में से उनके प्रिय लोग उठा लिए गए हैं और वे सह नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु उनको सांत्वना देना, जिस तरह तूने नयम की उस विधवा को सांत्वना दी, जिस तरह तूने लाजरुस की बहनों को सांत्वना दी, उसी तरह सांत्वना देना। आइए हम इस समय प्रभु यीशु की सिखाई हुई सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ दोहराते हुए कोविड के द्वारा मरे हुए सभी लोगों के परिजनों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें इस समय प्रभु की सांत्वना मिले, प्रभु की सांत्वना मिले। दोनों हाथ खुला रखे, यीशु की सिखाई उस महान और शक्तिशाली प्रार्थना दोहराएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रभु यीशु कह रहे हैं बहुत सारे भाई बहन जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, इस आराधना में भाग ले रहे हैं, डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि हमको भी कोविड है और यहाँ तक कि टेस्ट भी किए हैं। प्रभु कहते हैं डरना नहीं, तुमको कोविड नहीं है, नेगेटिव पाया जाएगा। प्रभु को धन्यवाद देते हैं इसके लिए, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपको आशीष दे। जब परम प्रसाद की आशीष होगी, जो लोग तेल और पानी लाए आशीष के लिए, इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ना और प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु से शुद्ध और पवित्र करना और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसमें उंडेल देना। परम प्रसाद की आशीष।
हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु तेरी आराधना तेरी महिमा हालेलुया 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 हे प्रभु यीशु इस जल को और तेल को आशीर्वाद दीजिए शुद्ध कीजिए पवित्र कीजिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दीजिए जो भी इसे ग्रहण करे जो भी इसे धारण करे उन्हें चंगाई मिले बंधनों से आजादी मिले दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले हालेलुया 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 तुझे धन्यवाद प्रभु जी तुझे धन्यवाद प्रभु जी तेरी महिमा हो प्रभु जी तेरी महिमा हो प्रभु जी तुझे धन्यवाद प्रभु जी तुझे धन्यवाद प्रभु जी